ये जनाब हैं, ये आप नौकरी करते हैं, ये कैसे आए हैं और इनको कैसा लगा सर्बिया, और आपके लिए क्या मैसेज है? मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि ये बात आगे से मैं ज़रूर ख्याल रखूँगा, इनका फार्मूला मैं आगे ज़रूर अपनाऊँगा। hostelworld.com मुझे पता थी एक वेबसाइट है, लेकिन मैं सोचता था कि जब booking.com पर ही आपको कम पैसों में मिल रहा है, जबकि ये खुद भी बता रहे हैं। मैं ऑलरेडी ट्रेन में बैठा हुआ था और वरुण अंदर आए, तो जैसे मतलब मैंने मुंह से तो नहीं बोला मगर अंदर से आवाज़ आई, इस बंदे को तो पहले देखा है, तो भटक कर ही सही वो मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। क्या बात है ये। आप मैं वहाँ पर आ जाऊँ? जैसा आप, असल में यहाँ लाइट आ रही है, आप यहीं आ जाइए फिर। एक्चुअली ये पता नहीं क्या नाम है इस जगह का, मैं फिर भूल गया हूँ। हाँ। आपको याद है? नहीं नहीं, मैं भूल गया। बस ये जगह वो जिससे है अल्फाबेट में था। हाँ। तो मुझे अंग्रेजी में इसको सिरिलिक बोलते हैं, जो स्क्रिप्ट है, लेकिन उसमें इस जगह का नाम लिखा हुआ था। जो भी है, चेक इन कर लिया है। मैं जनाब अकबर भाई से बात करना चाहता था, इनका जो हॉस्टल है वो पीछे ही रह गया था, बट ये उतर सकते थे पहले। मैंने कहा मगर मुझे आपसे बात करनी है, और बात कुछ खास थी और सिर्फ आपके लिए, इस वजह से ये यहाँ पर आए, और इनको 300 मीटर पैदल चल के जाना पड़ेगा। कुछ खास था, ख़ास ये था कि ये दुबई से यहाँ आए हैं घूमने के लिए। ये कैसे आए हैं और इनको कैसा लगा सर्बिया, और आपके लिए क्या मैसेज हैं? ये जनाब हैं, ये आप नौकरी करते हैं? जी हाँ, मैं जॉब करता हूँ। तो छुट्टी लेकर आए हैं, तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे लगता है कि ये आपके लिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा इनका एक्सपीरियंस, तो अब मैं इन्हीं से पूछता हूँ। अब मैं इंडियन लोगों से मुखातिब हूँ, तो मैं कह रहा था कि मुझे, हम लोग सबको पता है कि हम लोग जो एक चीज़ स्ट्रगल करते हैं वो वीज़ा सिस्टम, वीज़ा इज़ द फर्स्ट हर्डल। अभी कोरोना के टाइम में खासकर मैं चेक कर रहा था कि मैं डेस्परेट था, मेरी लीव एक्सपायर होने वाली थी कंपनी की तरफ से। इफ आई वुड हैव नॉट टेकन बाय डिसंबर 31st, आई वुड हैव लॉस्ट माय लीव। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि मैंने डायरेक्ट ट्रैवल एजेंसी में कॉल किया, मैंने बोला कि विद गॉड्स ग्रेस आई हैव द मनी, पैसे हैं मेरे पास, छुट्टियां हैं मेरे पास, कहाँ जाना है ये नहीं पता है, तो आप सजेस्ट करें। तो वो थोड़ा सा मतलब सरप्राइज भी हुए। फिर उन्होंने मुझे 3-4 कंट्रीज का नाम लिया कि जहाँ आप जा सकते हैं, और वहाँ भी वीज़ा फ्री नहीं है मगर हम लोग वीज़ा अरेंज करा सकते हैं। जैसे वो कौन कौन सी थी? तो जैसे ब्राज़ील थी, अभी इंडियंस जा सकते हैं कोरोना के टाइम में। अच्छा। और टर्की का एग्जांपल दिया उन्होंने, रशिया दिया, और इजिप्ट दिया, और यूके। मतलब उस एजेंसी के हिसाब से आप इन कंट्रीज में जा सकते हैं। हाँ। एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ, भाईजान असल में रहते हैं दुबई में ही, इंडियन है लेकिन दुबई में काम करते हैं, इसलिए दुबई में रह रहे हैं, तो इनके लिए थोड़ा सा आसान है हम इंडियन से कंपैरिजन में। इन्होंने एक जो ऑब्स्टेकल था वो तो कम से कम पार कर लिया, इंडिया से दुबई पहुंचने वाला। दुबई से क्योंकि बहुत सारी दुनिया भर की जगहों के लिए फ़्लाइट्स चल रही हैं, यही रीज़न था मैं दुबई से होकर आया था। तो इन्होंने दुबई में ही एक एजेंट से बात की थी, और उस एजेंसी के थ्रू इनको ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिली। इंडियन पासपोर्ट पे ही ये ट्रैवल करते हैं, तो ये आपके भी काम आ सकती है, आप भी वाया दुबई इन सारी जगहों पर जा सकते हैं। जानकारी आपको इंटरनेट से थोड़ी सी जुड़ानी पड़ेगी। अब आप आगे बताइए फिर यहाँ कैसे अचानक। हाँ, उसके बाद फिर एक दिन मतलब मैंने आपको मैं फॉलो नहीं कर रहा था, पर पता नहीं आपका वीडियो मेरे फीड में आया यूट्यूब में जी, तो मैंने उसको क्लिक किया, तो फिर मैंने आपका जो लेटेस्ट वीडियो था सर्बिया का, फिर मैंने वो पहला देखा, फिर मैंने आपकी किर्गिस्तान की सारी सीरीज को चेक किया। हाँ, किर्गिस्तान में देखा, सर्बिया का मैंने वीडियो देखा, और मैं कहूँगा कि मेरी मतलब कि इग्नोरेंस था कि मुझे पता नहीं था। आई बोस्ट और आई ट्राई टू ब्रैग अबाउट माई सेल्फ एज अ ट्रैवलर, पर मुझे पता नहीं था कि सर्बिया में वीज़ा फ्री है। एक रीज़न ये हो सकता है क्योंकि इन्होंने शायद पिछले 2 सालों में ही किया, 2017। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक कम्युनिटी है फेसबुक पर, नाम है टूरिस्ट हेल्पलाइन ग्रुप है, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जैसे आपने बताया, तो वहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो वहाँ पर हम ही जैसे लोग हैं मतलब। करेक्ट। तो आप वहाँ पर
अपना कोई भी सवाल डालें तो वो मदद करते हैं, आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं तो आपके एक्सपीरियंसेस और लोगों के लिए फायदेमंद हो सकते हैं, जैसे अभी आप शेयर कर रहे हैं। करेक्ट करेक्ट। तो पर मैंने जैसे बोला कि मैं थोड़ा एंटी सोशल या रेक्लूस टाइप का हूं, तो मैं ये भी इनका एक स्पेशल फीचर है, मगर हूं नहीं मैं टेक्निकली फेसबुक पर नहीं, पर हां मतलब इफ इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स यस आई विल मेक एन एफर्ट, मैं जाऊंगा इंशाल्लाह और मैं जाके उसमें डालूंगा ताकि अगले लोग इस पे बेनिफिट कर सके, बहुत अच्छा रहेगा। तो हां तो मैं सर्बिया के बारे में थैंक्स टू वरुण कि मैंने इनका वीडियो देखा और फिर मेरा ऑलरेडी एवरीथिंग प्लान था, मेरे पास लीव थी, मेरे पास पैसे थे, बस था कि डेस्टिनेशन नहीं था, तो वो मिल गया। और फिर मेरे अब्बू ने मुझे वीडियो शेयर किया जब मैं आने वाला था, फिर मेरी बहन ने भी मुझे भेजा इनका लिंक, खैर मैं ऑलरेडी वो सारे वीडियोस देख रख चुका था। थैंक्स टू आपके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके अबू आपके फादर को मैं ऑलरेडी थैंक्स बोल चुका हूँ। सादत नाम उनका। अच्छा नाम, उनका नाम तो मैं नहीं ले सकता। सर्बिया में फिर आ गया, उसके बाद फिर सर्बिया में तो एक अलग सा एक्सपीरियंस। इमिग्रेशन कैसा रहा आपके लिए? हाँ इमिग्रेशन मतलब कि काफ़ी मैं डरा हुआ तो नहीं बोलूँगा, मतलब एंक्शियस था कि क्या होगा, डिपोर्ट करेंगे तो दिमाग में काफ़ी सारी चीज़ें चलती हैं, एक तो बेइज्जती होगी, तो फिर मैं सोच रहा था कि मैं वापस तो जाऊँगा नहीं क्योंकि मेरे पास 15 दिन है, तो मैं यहाँ से तंजानिया चला जाऊँगा या जंजीबार का मेरा प्लान था। अच्छा। फिर मैं देख रहा था मैं गर्म कपड़े लेके आ रहा हूँ, मैं जंजीबार में गर्म कपड़े के साथ कैसे सर्वाइव करूँगा, तो ये सारी चीज़ें मतलब चल रही थी दिमाग में। फिर खैर मैं और मैंने बाजाबता सारी चीज़ें बिल्कुल प्रिंट आउट करा के अपने 3 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट ताकि प्रूफ करने के लिए, हालांकि वो मांगते नहीं है, अभी मेरे पास कॉपी पड़ी हुई है, मगर ये अच्छी चीज है, ये आप अपने साथ रख सकते हैं, क्या पता मांग लें। करेक्ट करेक्ट। आपने कहा 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, और उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस, हालांकि वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मगर नहीं था। फिर कोरोना का टेस्ट, वो भी रिक्वायर्ड नहीं था यहाँ पर, वो भी आपने रखा। हाँ वो मेरे लिए रिक्वायर्ड था क्योंकि अगर आप दुबई से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको अलाउ नहीं करेगी फ्लाइट अगर आप बोर्ड कर रहे हैं। अच्छा दुबई में? हाँ फ्लाइट दुबई थी, अगर मैं फ्लाइट दुबई से कर रहा हूँ तो उनके पास है वो चीज़ें, और मैं जब वापस दुबई जाऊंगा तो भी मुझे टेस्ट चाहिए, और वो इनको 10-12 हज़ार रुपए यहाँ खर्च करने पड़ेंगे। वो एक अलग कहानी, खैर हम उसमें अभी नहीं जा रहे हैं, मगर आपने बताया कि बैंक स्टेटमेंट, कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट और आपका ट्रैवल इंश्योरेंस और सारी बुकिंग्स और रिटर्न टिकट, इन सब का आपने प्रिंट आउट निकाल के रखा था, सो दैट के बाद आपका एक एनवेलप में करके इतना मोटा सारा मेरा जो कि मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ एज ए जॉब इंटरव्यू या कुछ, उसके लिए फिर मैं गया और मम्मी भी मेरी काफ़ी दुआ पड़ रही थी कि मतलब क्लियर हो जाए। उसके बाद इमिग्रेशन में गया, मैंने सोचा कि वो क्वेश्चंस पूछेंगे एटलीस्ट वो एक बार दे विल गो थ्रू इट, पर कुछ नहीं, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, स्टैंप लगाया, वेलकम टू सर्बिया, कुछ नहीं पूछा, कुछ नहीं, नथिंग। अमेजिंग, तो मुझे लगा कि इन्होंने मतलब कुछ अभी आगे और है अगला नेक्स्ट। अच्छा एक बड़ी बात, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपके पासपोर्ट में कहाँ कहाँ की स्टैंप लगी हुई है? ज़्यादा जगह नहीं, मैं मुश्किल से 10-12 कंट्रीज अभी तक घुमा हूँ, तो उसमें से जो स्टैंप है उसमें मलेशिया का है, बहरीन का है, टर्की है, रशिया है, तो इस टाइप से ये सारे टूरिस्ट वीज़ास थे या कोई वर्क वीज़ा ऐसा? नहीं नहीं वर्क वीज़ा एक भी नहीं है। यूएई का कुछ ऐसा? यूएई का मेरे पास रेसिडेंट वीज़ा है। तो उससे कुछ फर्क पड़ता है? उन्होंने देखा था उसको? हाँ तो मतलब वो अलग से नहीं, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया अपने पास काउंटर जैसा इंडिया में रहता है हर जगह, उन्होंने पेज पलट के देखे 4-5-8-10, उसके बाद फिर उन्होंने स्टैंप लगा दी वेलकम टू सर्बिया। अच्छा शायद उन्होंने आपका दुबई वाला वो रेजिडेंट वीजा परमिट देखा होगा। हाँ और उसमें 2-3 लगे हुए क्योंकि मुझे 5 साल हो गए। अच्छा तो वो शायद आपकी ट्रैवल हिस्ट्री का स्ट्रांगेस्ट पॉइंट। हाँ चलो कह सकते हैं, अब ये कम से कम उन लोगों के लिए तो सही है क्योंकि आप बता रहे हैं कि दुबई में इतने सारे लोग रहते हैं इंडियंस, तो वही कम से कम यहाँ घूमने के लिए आ जाए जनाब, अच्छी जगह। आप जगह कैसी है पहले वो बताइए आप। हाँ फिर उसके बाद फिर मैं जब अंदर आया तो मजे की बात यह कि मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा इमिग्रेशन हो गया तो मैं वेट कर रहा था कि कुछ और फॉर्मेलिटीज वगैरह होंगी जो मैं पेपर लेके आया इतनी मशक्कत से। अच्छा। इसको कुछ तो करो फिर। हाँ। नथिंग मैंने बैग में डाला, हमने चेक बैगेज काउंटर से अपना बैग उठाया, फिर वहाँ से इनफैक्ट वो इतने हेल्पफुल थे कि दूसरे लोग सिक्योरिटी के थ्रू जा रहे थे, मुझे उन्होंने बाईपास करा दिया, यू कैन गो। फिर मैं बाहर आया, आपकी वीडियो में मैंने देखा था वो 72 नंबर बस। अरे वाह, तो मुझे याद थी आपको बाहर से। मैंने फिर वहाँ पे बस का वेट किया काफी, आपको तो खड़ी हुई मिल गई। हाँ, बस। हाँ। मुझे 2-3 बस आई, वो अच्छा। कुछ मतलब मसला था वो चली गई बसेस। अच्छा। फिर मैं वेट करता रहा। अच्छा। उसके बाद फिर एक और चीज जो आपने नहीं की थी, मैंने की, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, मगर फॉर्चुनेटली कर ली कि जब मेरे पास इंटरनेट था तो उसी वक्त मैंने अपना एयरपोर्ट से अपने हॉस्टल का
गूगल में डाला मैप में, और फिर एक ऑप्शन रहता है वॉकिंग का, मैंने वॉकिंग सेलेक्ट करके उसको छोड़ दिया, फिर इंटरनेट खत्म हो गया, मगर वो मुझे गाइड कर रहा था जीपीएस के थ्रू। तो फिर मैं जब बस में बैठा तो मुझे पता था कहाँ कहाँ मैं जा रहा हूँ, कितना दूर अभी बाकी है, फिर मैं उतरा वहां से, फिर मुझे हॉस्टल गाइड उसी जीपीएस ने किया और मैं पहुंच गया। लेकिन ये अच्छी चीज है कि आप एयरपोर्ट का वाईफाई यूज करके अपने हॉस्टल की लोकेशन उसमें नेविगेशन पे लगा दीजिए, ऑफलाइन वो मैप सारा डाउनलोड हो जाएगा और रास्ता जैसे आप बस से उतरेंगे वो आपको बता देगा, अब यहाँ से आपको पैदल चलना है, इस रास्ते को फॉलो करते चलिए, लोगों से बात करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वैसे ही मन कर रहा है बहुत ज़्यादा बात करने का तो आप कर लो। सही सही सही। उसके बाद आप कहाँ रुके? उसके बाद मैं वही सेम हॉस्टल में, हालांकि मैंने आपका हॉस्टल नहीं देखा था, आपकी वीडियोस देखे थे, पर मुझे दिमाग से निकल गया था हेडोनिस्ट हॉस्टल में। अच्छा, तो वही मैं रुका था चार दिनों के लिए। मेरा पहला हॉस्टल हेडोनिस्ट हॉस्टल था, मैंने एक्चुअली बताया ही नहीं था वीडियोस में कि मैं कहाँ रुका था, तो मैंने दूसरा हॉस्टल जरूर बताया था क्योंकि वहाँ थोड़ी दिक्कत थी, तो आप वहाँ पहुँच गए थे। हाँ, तो वहाँ मैं पहुँच गया। उसके बाद फिर मेरी बहन ने एक्चुअली आपकी वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके भेजा, उसने बोला कि आपका नाम नहीं जानती वो, टू बी ऑनेस्ट, उसने बोला कि यार ये ट्रैवलर जो बंदा है ये भी लगता है उसी हॉस्टल में रह रहा है। क्योंकि आप सुबह में ब्रेकफास्ट या कुछ कर रहे थे तो उस टाइम उसने उसका स्क्रीनशॉट लिया वीडियो का। अच्छा। मुझे कि उसने बोला कि यही बंदा लग रहा है। अच्छा। तो मैंने देखा, मैंने बोला हाँ ये तो वही हॉस्टल है, फिर मैंने देखा अच्छा आप भी वहीं रुके। अच्छा, अच्छा, तो ऐसे मुझे पता चला। ओके ओके। और मैं जनरली हॉस्टल जो सिलेक्ट करता हूँ लोकल, मैं हॉस्टल वर्ल्ड पे जाता हूँ, वहाँ से रेटिंग देखता हूँ और बुकिंग करता हूँ booking.com से। ऐसा है क्या? हाँ, क्योंकि प्राइस में कंपेयर करेंगे ना आप, तो इट्स ऑलवेज बेटर ऑन booking.com एज कम्पेयर टू हॉस्टल। हॉस्टल वर्ल्ड पे रेटिंग्स ऑथेंटिक होती हैं। हाँ, क्योंकि ऑथेंटिक है एंड दे इवन गिव होटल ऑस्कर्स, so they have a full fledged thing, so they even give hotel Oscars. When I went to St. Petersburg, I stayed in Seoul Kitchen Hostel. तो वहाँ उन्होंने काफी ऑस्कर जीत रखे हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज़ हॉस्टल वर्ल्ड के ऑस्कर्स हैं। यस, हॉस्टल वर्ल्ड के ऑस्कर्स हैं, अवार्ड्स। सो इट्स लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग व्हिच गिव्स यू और ऑथेंटिकेट्स जेन्युइन। क्या बात है। हाँ, अच्छा, हेडोनिस्ट को भी मिले हुए हैं? हेडोनिस्ट को भी मिला हुआ है कुछ। अच्छा। और उसकी रेटिंग्स काफी अच्छी थी उसमें, तो फिर मैंने वहां से मैं रेटिंग देखता हूँ यहाँ। मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस बात के लिए, क्योंकि ये बात आगे से मैं जरूर ख्याल रखूंगा, इनका फॉर्मूला मैं आगे जरूर अपनाऊंगा। hostelworld.com मुझे पता थी एक वेबसाइट है, लेकिन मैं सोचता था कि जब booking.com पर ही आपको कम पैसों में मिल रहा है, जबकि ये खुद भी बता रहे हैं। खैर, तो वो मैं वहाँ के रुका, जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की और मुझे मतलब लुत्फ आया, मज़ा आया, वो थी मास्क से निजात। तो मास्क जब हटाया, वरुण ने भी डाला था कि सबसे पहले उन्होंने मास्क हटाया था, मेरे को वही सीन याद आ रहा है। ये कोई बहुत मतलब इट्स नॉट लाइक वी आर फॉलोइंग दिस फॉर डिकेड्स, तो हमारे लिए मगर पिछले 6-7 सालों में वो हमारे मतलब बॉडी का एक पार्ट हो गया, इट्स अ काइंड ऑफ एक्सटेंडेड ऑर्गन फॉर अस। तो वो जब हटाया और किसी ने मतलब दे वर नॉट गिविंग यू स्टेयर्स, क्योंकि दुबई में तो आप नहीं हटा सकते, यू हैव टू एवरीवेयर देयर आर फाइंस एंड ऑल। तो खैर, अल्हम्दुलिल्लाह वो पहली चीज मुझे लगी जो कि मुझे काफी मतलब कि आई फेल्ट फ्रीडम इवन बिफोर स्टार्टिंग माई ट्रिप ऑफिशियली। तो खैर, मैं पहुंचा अपने हॉस्टल में, वहां मैंने चेक इन किया, फिर अगेन थैंक्स टू वरुण मुझे इनका एक और फॉर्मूला काम आया, वो वाइट पेपर विच दे कॉल इट बेलाकार्ता वाइट पेपर। तो दे वर नॉट रिलक्टेंट बट दे वर इग्नोर एंड दे वर सेइंग कि तुम क्या करोगे इसका, ऐसा कोई पूछता नहीं है। शायद वरुण को भी यही हुआ जब इन्होंने मांगा, मगर हम लोगों के लिए, इंडियंस के लिए, मेरे ख्याल से नॉट इंडियंस, ये रूल है और किसी ने रूल बनाया तो कुछ ना कुछ उसका रीजन ही होगा। तो मैंने ले लिया, और अगर आप नहीं भी लेते हैं वो, या मैं तो सजेस्ट करूंगा ले लें, मुझे हॉस्टल के बंदे ने बोला, रिसेप्शनिस्ट ने, कि आप हमेशा अपने फोन में पासपोर्ट की वो पेज की कॉपी रखें जिसमें आपका स्टैम्प है, तो उसकी एक फोटो ले लें तो वो रखें। तो अगर आपका बेलाकार्ता गुम हो गया या आपका हॉस्टल में रह गया तो वो आपके उसमें रहेगा। तो सही बात है, ठीक है, ये भी एक हिदायत है और एहतियात आप बरतें कि आपके पासपोर्ट में जिस कंट्री में आपने एंटर किया है उसकी जो एंट्री वाली स्टैम्प है उसकी मोबाइल फोटो तो कम से कम ले ही लेनी चाहिए, या आगे से मैं भी ख्याल रखूंगा। और ओवरऑल सर्बिया घूमने का एक्सपीरियंस कैसा रहा? हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। पहली चीज़ जो कि मतलब मैंने आपको बताया कि दुबई में अभी तक फ्राइडे प्रेयर फॉर मुस्लिम्स अभी तक अलाउड नहीं है जी। तो जहाँ पे मैं रुका हुआ था वहीं पे एक मस्जिद थी,
आई थिंक दिस इज द ओनली मॉस्क इन बेलग्रेड, नॉट यस ओनली मॉस्क इन बेलग्रेड. अच्छा. कि तो और इट्स क्वाइट एंशिएंट मॉस्क. ओके. बजरकली या समथिंग समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही कुछ नाम है उसका मॉस्क का. आपके हॉस्टल के पास में ही थी वो? हाँ, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे थी. ओके. तो हेडोनिस से मुश्किल 200 या 300 मीटर पे होगी. अच्छा. मुझे पता नहीं था, हालांकि मैंने ये सोच के बुक नहीं किया था, मगर फॉर्चुनेटली निकल गई. तो मैं थर्सडे को पहुंचा था शाम में, तो मैंने जाके पैसे पता कर लिया क्योंकि नेक्स्ट डे फ्राइडे था. तो फिर मैं फ्राइडे को नमाज पढ़ने गया. छह महीने बाद अल्लाह के करम से मैंने नमाज पढ़ी वहाँ, शुक्राने की भी नमाज पढ़ी. और इट्स अ क्वाइट, सो इवन फॉर नॉन मुस्लिम्स यू कैन विजिट देयर, यू कैन टेक फोटोज, बिकॉज आर्किटेक्चर ऑफ द मॉस्क इन इटसेल्फ, इट्स एन ओटोमन मॉस्क, सो इट्स अ वुडन स्ट्रक्चर एंड ऑल्सो इट्स नाइस फ्रॉम आउटसाइड. दुनिया अगर ऐसी हो, ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मेजॉरिटी है इस देश में, लेकिन खूबसूरती देखिए कि अगर लिबरलिज्म इतना ज़्यादा हो, लोग एक दूसरे के रिलीजन्स की रिस्पेक्ट अगर करें. मैं नहीं जाता इसके हिस्ट्री में, मैं नहीं जाता लोग यहाँ पर क्या सोचते हैं. मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि एक मॉस्क यहाँ पर है और एक ऐसा बंदा जो 6 महीने जहाँ पर रहता है वो वहाँ पर मेजॉरिटी वहाँ पर मुस्लिम्स होने के बावजूद वहाँ पर हालात इस वक्त ऐसे हैं कि वो नमाज एक साथ नहीं पढ़ पा रहे हैं. उस बंदे को यहाँ पर आके अगर वो मिल रहा है तो ये ग्रेटनेस है यहाँ के लोगों की, यहाँ की कम्युनिटी की. ये चीज़ होनी चाहिए मेरे ख्याल से. हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी सोसाइटी में ये अगर हो तो हमें अच्छा लगेगा. मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको ये ज़िंदगी भर याद रहेगा, आपको तो रहेगा ही, मुझे खुद याद रहेगा. इट्स ट्रू और इट्स अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म. एक्चुअली लाइक इंडियन हु इज लिविंग इन दुबई केम in an orthodox country, orthodox Christianity, and offered a prayer after 6 months. So in itself, it's a unique and like really commendable example. So salute to everyone in Serbia who believes in multiculturalism, or salute to the leaders who believe in multiculturalism around the world. Or फिर आप यहाँ पहुँच गए, फिर आज हमारे अचानक जो मिलने का तरीका था वो भी बहुत गजब का था. मैं ऑलरेडी ट्रेन में बैठा हुआ था और वरुण अंदर आए, तो जैसे मतलब मैंने मुंह से तो नहीं बोला मगर अंदर से आवाज आई, इस बंदे को तो पहले देखा है. अच्छा. टेक्निकली बोलूं तो कभी नहीं देखा था. हाँ. मगर देखा है इन अ सेंस कि मतलब जानता हूँ वीडियो. और मतलब मुझे तो इन्हें तो सरप्राइज हुआ ही, मुझे भी सरप्राइज हुआ. मेरे बगल में एक इजरायली बैठा हुआ था, इजराइल का बंदा, उसने बोला, मतलब हम लोग एक साथ बोल उठे, हमारी एक और फ्रेंड थी फ्रेंच, तो हम लोगों ने बोला कि वी नो हिम एंड ही इज अ बिग ब्लॉगर एंड इन इंडिया इज फेमस. सो रादर देन मी एक्सप्लेनिंग इट टू हर, अ गाय हु इज फ्रॉम इजराइल, ही वाज एक्सप्लेनिंग इट टू अ फ्रेंच लेडी अबाउट वरुण. सो मैंने बोला कि यार वरुण साहब माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है ये. एक्चुअली बड़ी बात तो नहीं है मैं कहूंगा, मगर हाँ मेरे लिए है, क्योंकि मतलब being an Indian, हाँ मैंने रिकॉग्नाइज किया, एक इजरायली ने रिकॉग्नाइज किया, दैट्स एंड giving that or taking that fact into consideration कि इनकी ज़्यादातर videos हमारी ज़ुबान में होती है, मतलब हिंदी में होती है या हमारी यहाँ इंडियन लैंग्वेज में होती है. तो इस सेंस में उस बंदे ने जो कि इंग्लिश भी टूटी फूटी बोल रहा था, उसने आपके वीडियोज़ देखे सो और आपको रिकोगनाइज किया. सो मैंने बोला कि माशाल्लाह ये आपके लिए बस शुरुआत है और इंशाल्लाह नाउ यू विल गो प्लेसेस. सो यू हैव ऑलरेडी बिन प्लेसेस बट इन फिगरेटिवली स्पीकिंग इंशाल्लाह यू विल लाइक यू विल गो मोर. एंड बहुत अच्छा लग रहा है, मैं आसमान में उड़ रहा हूँ. नहीं आसमान में उड़ाने की बहुत अच्छा लग रहा है, बट हाँ मे गॉड ब्लेस हिम बिकॉज कि इनकी दो तीन टिप्स जो मेरे, यही तो जरूरी है जो अभी आपने बात कही है, जो ब्लेसिंग्स और जो दुआएं हैं ना, बस यही चाहिए. और मैंने बताया, कई बार बताया कि आज मैं जिस जगह पर हूँ ये सब सिर्फ आप लोग हैं, आप यहाँ पर हैं, ये सब आपकी दुआएं हैं, ये आपका प्यार, आपका सपोर्ट. और जब मैं प्यार सपोर्ट की बात करता हूँ, ये बहुत कॉमन शब्द हैं आमतौर पर क्रिएटर्स, आमतौर पर जो थोड़े से लोग हो जाते हैं, दो चार थोड़ा सा पायदान ऊपर चढ़ जाते हैं, तो ये प्यार सपोर्ट बहुत कॉमन हो जाता है. लेकिन मेरे लिए ये सच में बहुत ज़्यादा मायने रखता है, और जो लोग जानते हैं मुझे वो समझते हैं कि मेरे लिए ये चीज़ें कितनी मायने रखती हैं. और मैं सच बता रहा हूँ, कई बार जब बहुत लो फील करता हूँ तो ऐसे में मुझे सिर्फ आपका ये प्यार और ये जो सपोर्ट है ये याद आता है, और यही मुझको फिर वापस नॉर्मल करता है. अदरवाइज बस मुझे ही बताना था. लुक एट द इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस ऑफ योर, इस केस में देर इज अ लाइव एग्जाम्पल, आई एम सिटिंग विथ हिम राइट नाउ एंड टॉकिंग टू यू गाइज इज अ लाइव एग्जाम्पल कि इनकी वीडियो ने इम्पैक्ट किया. करेगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, इम्पैक्ट किया. तो इनका वीडियो मैंने देखा, मैंने ट्रैवल किया और फॉर्चुनेटली और इट्स अ कोइंसिडेंस कि अब इनको मैं मिल गया. तो ही हैज़ नॉट इवन लेफ्ट सर्बिया आफ्टर मेकिंग ऑल दीज वीडियोज एंड ही हैज़ ऑलरेडी बेनिफिटेड समवन हु इज सिटिंग विथ हिम एंड टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ द
this thing. So that's the beauty of it, I would say. So this is a very important message for Serbia tourism, and please invite influencers like us. This is the impact. Yes, yes. I am the live impact. Yeah. Sitting in Serbia, speaking from Serbia, yeah, for a guy who has actually promoted Serbia, and it has worked. It's not it will work, it has worked in my case. So yes. Yehi batana tha, filhal main ab aapko zyada der nahi rokunga aur ye video bhi zyada lamba nahi karunga. Ghumiye, khub ghumiye, Serbia aaiye ghumne ke liye. हाँ, तो वही एक लास्ट जो मैं आपको बोल रहा था, क्या? कि भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी जी. तो हम कहेंगे कि भटक कर ही सही वो कंट्री तो मिल ही जाएगी जहाँ वीजा नहीं लगता है इंडियंस, क्या? को क्या? तो भटक कर ही सही वो मंजिल तो मिल ही जाएगी. गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही क्या नहीं. बात है ये मतलब तो मैंने आज दिन में ये दूसरी या तीसरी बार सुना, लेकिन अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार सुना, और बहुत अच्छा लगता है. भटक कर ही सही मंजिल तो मिल ही जाएगी, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं. भाई साहब क्या गहराई है इसमें. कुछ लोग घर से निकल के दुबई तक आ चुके मगर अभी भी गुमराह हैं, हाँ. तो उनको वहां से भी निकालना है. और कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियोस देखते हैं, कहते हैं कि हम आपके वीडियोस के थ्रू दुनिया घूम लेते हैं, तो आप अभी भी गुमराह हैं. मेरा मकसद ये नहीं है कि आप सिर्फ वीडियोस देखकर आप वहीं रहें अपने घर में. मेरा मकसद है आप निकलिए बाहर. वो लाइव वाली फीलिंग, वो मतलब हम लोग एक्सप्लेन जो मैं कर सकता हूँ, जो मुझे महसूस हो रहा है वो मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन मैं सच बता रहा हूँ जो आप महसूस करेंगे वो एक अलग ही चीज़ होगी. बैटरी खत्म हो रही है, वीडियो बंद करना पड़ेगा. आइए प्लीज घूमने के लिए सर्बिया. थैंक यू. ख्वाला ख्वाला पुनो.